हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काठियावाड़ी स्टाइल आखी डूंगड़ी नू साग। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है ये सब्जी। और यहाँ पर जो प्याज लेंगे वो हमें छोटी वाली प्याज का यूज करना है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सिके हुए सिंगदाने लिए हैं 4 बड़े चम्मच। हल्का सा भून लिया है मैंने सिंगदानों को। 8 से 10 कली लहसुन की, 3 छोटे कटे हुए अदरक के टुकड़े, और यहाँ पर मैंने सफेद तिल लिए हैं। आपके पास जो तिल अवेलेबल हो आप वो लीजिए, 2 चम्मच। और अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पानी का यूज नहीं करेंगे। बिना पानी का यूज किए हम इसे बारीक पेस्ट तैयार करेंगे और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। जितना हो सके आप उसे बारीक पीस लीजिए। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने अमचूर पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है पर बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे सब्जी में। और कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से इसका जो कलर है वो रेड आएगा और खाने में ये स्पाइसी भी नहीं रहती है। सारी चीजों को अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार है और इसे अब हम साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कटे हुए टमाटर लिए हैं और इन्हें हम बिना पानी डाले ग्राइंड करेंगे और इस तरह की टोमेटो प्यूरी तैयार कर लेंगे और इसे साइड पर रख लेंगे। अब जो ओनियन ली है उसकी जो ऊपरी सतह है उसको हमें थोड़ा सा ही काटना है। अगर आप इस सतह को ज़्यादा काट देंगे तो प्याज के जो छिलके हैं वो पकाते टाइम बाहर आ जाएंगे, तो इसे हमें थोड़ा सा ही कट करना है। प्याज को हम छिल लेंगे और पीछे की साइड पर हम प्याज में आधे तक कट लगाएंगे, एक्स मार्क्स लगाएंगे। इससे ग्रेवी जो है प्याज में अच्छे से मिक्स होगी और अंदर उतरेगी तो सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह से सारी प्याज कट करने के बाद हम कढ़ाई गरम करेंगे और 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और ये देखिए 600 ग्राम ऐसी छोटी छोटी प्याज को मैंने कट कर कर ले लिया है और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। लगातार नहीं चलाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज कैरामलाइज होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे, इससे ग्रेवी हमारी थिक होगी। बेसन में कोई लम्स ना पड़े उस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो इस प्याज की सब्जी में डालेंगे और उसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये प्रोसेस को हल्के हाथों से कीजिए, नहीं तो प्याज के छिलके निकल सकते हैं। और इसे ढक कर 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट के बाद मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और बीच में इसे हम 1-2 बार चला लेंगे ताकि सब्जी जो है वो हमारी कढ़ाई में चिपक ना जाए, और वापस ढककर उसे पकने देंगे। टोमेटो की जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक नहीं जाती और जो ऑयल है वो सब्जी में से रिलीज नहीं हो जाता। ये देखिए मसाला पकने का साइन है कि ऑयल हमारा रिलीज हो चुका है सब्जी में। और हम यहाँ पर गरम पानी 1 कप ऐड करेंगे। कोई भी सब्जी बनाते टाइम आप हमेशा ग्रेवी के लिए गर्म पानी का ही यूज़ करिए। आप जितनी थिकनेस सब्जी की रखना चाहते हैं उतना गर्म पानी डालिए। और 1 चम्मच हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे और इसे ढक कर 3 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जी की जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिकी रहती है। देखिए 3 मिनट के बाद हमारी जो सब्जी है वो परफेक्टली कुक हो गई है। इसे ढक देंगे और गैस का जो फ्लेम है वो हम बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो काठियावाड़ी चटाकेदार टेस्टी प्याज की सब्जी है वो बनकर तैयार है। आप इसे बाजरे की रोटी, मक्की या ज्वारी की रोटी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। और आप मेरी इस
प्याज की सब्जी को जरूर से ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।